वे बस नॉर्मली कृष्णा जी के दर्शन करने जा रहे हैं। तो यहाँ हम चारों के लिए ये सारा मटेरियल हमने यहाँ पे रख लिया है और चलिए चलते हैं। सो गाइज, दीज आर द ऑल मटेरियल्स दैट वी आर टेकिंग अलॉन्ग टू द टूर ऑफ द गोवर्धन। So this is the step we are going to take with us because we need to eat then on the way and we are going there for 3 days. So we are packing our bags. So guys, this is a cloth of bag that we are taking with us. This is a bed sheet. Here we are taking this for the multi-purpose use. So guys, here we have taking a newspaper and a polythene and a charger for our phones. And these are all the eating stuff that we are taking with us. This is a water cooler and here we are taking these all accessories that is very important for us. And guys, here we are taking some tissues and some sanitizers that is very important for us. Nen, batao kahan ja rahe hum? Vrindavan. So guys, as you know very well that these summers are very hot, so for cooling our water here we are adding some ice cubes so that our water gets cool. अभी सफर बहुत ज्यादा लंबा है, सो हमने सोचा कि क्यों ना हम थोड़ा सा ब्रेक ले लेते हैं। तो अभी हम जा रहे हैं कचला और वहाँ पे थोड़ा सा कुछ समय के लिए टाइम स्पेंड करेंगे एंड वहाँ पे हम कुछ खाएंगे। सो गाइज, एज यू कैन सी दैट यहाँ पे हम कचला आ गए हैं। सो गाइज, यहाँ पर हम आ गए हैं कचला पर, रुके हैं और यहाँ पे चना मटरा के यहाँ पे बहुत ज्यादा फेमस है कचला के, तो उसका खाने का आनंद ले रहे हैं। क्या खा रहे हो नैन? नैन क्या खा रहे हो? क्या खा रहे हो नैन? कचला का मटरा। कैसा लग रहा है तुमको ये? बढ़िया बढ़िया। तो हम पी रहे हैं कुल्हड़ वाली चाय कचला। यहाँ एक और मटरा आ गया है। लाओ। One more। अब हम यहाँ से फिर से निकल रहे हैं। सो गाइज, हम आ गए हैं हाथरस और अभी हमें आते आते नाइट हो गई है। सो गाइज, हम आ गए हैं गोवर्धन और ये है यमुना रिवर। सो गाइज, हम आ गए हैं गोवर्धन टेम्पल और चलिए चलते हैं वहाँ पे, हम गोवर्धन महाराज के दर्शन करने चलते हैं। और ये देखिए हमारे प्यारे से ठाकुर जी, चलिए इनको भी लेके चलते हैं। सो गाइज, जब वहाँ दान घाटी टेम्पल आए तब हमने नोटिस किया कि यहाँ पे टेम्पल बंद है और वैसे भी यहाँ पे सैटरडे एंड संडे वीकली लॉकडाउन था, तो इसलिए हम यहाँ पे दर्शन नहीं कर पाए। बट हमने बाहर से ही मैंने और ठाकुर जी ने दर्शन कर लिए हैं। हो जाती है।
हमारी परिक्रमा शुरू होती है। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हाय मजा आ रहा है। गाइस परिक्रमा करते करते फर्स्ट स्टॉपेज है हमारा पूजरी का लोट, और यहाँ पे हमारी अटेंडेंस लगती है। इससे पता चलता है कि हम यहाँ पर परिक्रमा कर रहे हैं। नेक्स्ट परिक्रमा मार्ग में हम आ जाते हैं जतिपुरा टेम्पल। इस मंदिर की बहुत मान्यता भी है और यहाँ पे सबकी मनोकामनाएं पूरी भी होती हैं, तो इस मंदिर में हमें जरूर आना चाहिए और जरूर दर्शन भी करने चाहिए। गाइज यहीं से हमारी परिक्रमा हो जाती है फिनिश। सॉरी गाइज, बाय द वे हम आगे की परिक्रमा का वीडियो नहीं बना पाए क्योंकि हमने मिड नाइट में की थी और वहाँ पे बहुत ही ज़्यादा अंधेरा भी था। तो गाइज नेक्स्ट पार्ट में लेके आऊँगी आप लोगों के साथ जल्द ही। नेक्स्ट पार्ट होने वाला है हमारा टूर बरसाना और वृंदावन का, तो देखना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। सो गाइज थैंक्स फॉर वॉचिंग।